नाना साहब की पुत्री मैना देवी को भस्म कर दिया गया। इस पाठ की आज मैं व्याख्या करूंगी, सारांश में व्याख्या करूंगी। बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि आपको चैप्टर समझ में आना जरूरी है। उसके बाद हम शब्दार्थ की बात करेंगे कि किन किन शब्दों का इस चैप्टर में यूज़ किया गया है। सबसे पहले मैं आपको पाठ की रूपरेखा बता देती हूँ। स्वतंत्रता आंदोलन में पुरुषों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी आंदोलन को गति प्रदान करने में अपना योगदान दिया था। देवी मैना भी उनमें से एक हैं। यह पाठ 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित एक बलिदान की कथा है। 1857 ईस्वी की क्रांति के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहेब की बेटी बालिका मैना आज़ादी की नन्ही सिपाही थी जिन्हें अंग्रेजों ने जलाकर मार डाला था। उसी बच्ची के बारे में आज का चैप्टर है। देवी मैना के साथ जो अत्याचार हुआ था उसके क्रूरता के इस पाठ में सारे वर्णन किए गए। अब बात कर लेते हैं लेखिका की। चपला देवी लेखिका जो हैं द्विवेदी युग की लेखिका रही हैं। वे अपने समय की उन लेखिकाओं में से एक हैं जिनके जीवन तथा साहित्य के विषय में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। चपला देवी का साहित्य अपने युग एवं परिवेश के संघर्ष को अभिव्यक्त करता है। उन्होंने स्वाधीनता संग्राम के एक ऐसे प्रसंग को उठाया है जो अब तक अछूता था। उनके द्वारा किया गया वर्णन अत्यंत सजीव और वास्तविक है। अब आ जाते हैं पाठ के सारांश पर, वर्णन पर। 1857 ईस्वी की क्रांति के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहेब जब अंग्रेजों के विरुद्ध उठे तो विद्रोह में असफल हो गए थे, इसलिए उन्हें कानपुर से भागना पड़ा। तब वे जल्दी जल्दी में अपने पुत्री मैना को साथ नहीं ले जा सके। पिठूर में अपने पिता के महल में मैना देवी रहती थी और वो वहीं अकेली रह गई। कानपुर के हत्याकांड के बाद अंग्रेजों का एक सैनिक दल बिठूर की ओर रवाना हो गया। उस दल ने बिठूर का राजमहल लूट लिया, परंतु वहां उन्हें बहुत थोड़ी सी संपत्ति प्राप्त हुई। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप से नाना साहेब के महल को उड़ाने का निश्चय किया। सैनिक दल ने जब महल को उड़ाने के लिए तोप लगाई तो उसी समय महल के बरामदे में एक सुंदर बालिका मैना आकर खड़ी हुई। उस बालिका को देखकर सेनापति ने गोले बरसाने से मना कर दिया और उससे पूछा कि बताओ तुम क्या चाहते हो। बालिका सेनापति से प्रार्थना करती है कि वे महल को तोप से ना उड़ाएं और महल की रक्षा करने में उसकी सहायता करें। बालिका सेनापति हे को बताती है कि उनकी पुत्री मेरी और वह बचपन की सहेली थी। वह मेरे पास आती रहती थी और उस समय आप भी आते थे। शायद आप ये सब बातें भूल गए हैं। मेरी और सेनापति हे की पुत्री की मृत्यु पर मैं बहुत दुखी हुई थी। उसकी एक चिट्ठी अभी तक मेरे पास है। मैना देवी ने बताया कि हे की पुत्री जो थी मेरी, उसकी मौत जब हुई थी तो वह बहुत दुखी हुई थी। यह सुनकर सेनापति को सब याद आ गया और उन्होंने मैना को पहचान लिया कि वह नाना साहेब की पुत्री है। इसी कारण सेनापति हे को उस पर दया आ गई। वह अपनी मजबूरी बताते हुए कहता है कि मैं सरकार का हुक्म टाल नहीं सकता हूँ, परंतु वह उसकी सहायता करने की हर संभव कोशिश करेगा। सेनापति हे देवी मैना को सहायता का आश्वासन दे देते हैं। तभी वहाँ प्रधान सेनापति जनरल औटरम आ जाता है। उसके द्वारा महल नष्ट ना करने का कारण पूछने पर हे जो है उससे महल को बचाने का उपाय पूछते हैं कि कैसे बचाया जाए महल।
जनरल आउटरम बताता है कि गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह काम संभव नहीं है और ब्रिटिश सरकार नाना साहेब से अत्यधिक क्रोधित है, इसलिए यह होना असंभव है। सेनापति हे गवर्नर जनरल को तार लिखने का निर्णय लेता है। जनरल आउटरम द्वारा तार लिखने का कारण पूछने पर सेनापति हे बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अंग्रेज जाति का नाना साहेब पर भीषण क्रोध था क्योंकि नाना साहेब ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया था। अंग्रेजों का यह प्रण था कि जब तक उनके शरीर में रक्त रहेगा तब तक वे कानपुर में हुए अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला अवश्य लेंगे। उन्होंने आदेश दिया कि नाना साहेब के महल और उनसे संबंधित प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति तक का नामोनिशान मिटा दिया जाए। यह आदेश पाकर जनरल आउटरम ने नाना साहेब के राजमहल पर तोप के गोले बरसाए और घंटे भर में ही उसे मिट्टी में मिला दिया। लंदन के सुप्रसिद्ध अखबार टाइम्स में 6 सितंबर को एक लेख छपा। इसमें कहा गया था कि यह दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस नाना साहेब को नहीं पकड़ सकी जिस पर अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। उन्होंने कहा कि वे अंग्रेजों के हत्याकांड को कभी नहीं भूलेंगे। उस दिन वहां की पार्लियामेंट में सर टॉमस हे की रिपोर्ट का मजाक भी उड़ाया गया। उन्होंने कहा कि सर टॉमस अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में एक मामूली महाराष्ट्रियन कन्या के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य भूल गए। यहाँ पर हे को भी ये कहा जा रहा है कि आप कन्या के सौंदर्य पर मोहित होकर के ये कह रहे हो, उसे बचाने की बात कर रहे हो। जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ है उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए, ऐसा कहा गया। मैना को उस महल के प्रति अत्यंत लगाव था क्योंकि बचपन से वह वहाँ रही थी। अंग्रेज उस महल को नष्ट कर देना चाहते थे। मैना ने महल को तोड़ने के लिए मना किया था परंतु उसकी बात किसी ने नहीं मानी। फिर मैना ने अंग्रेजों के सामने अपनी अंतिम इच्छा जताई कि वह उस महल के ढेर पर बैठकर जी भर कर रो लेना चाहती है। परंतु जनरल आउटरम ने उसकी इस इच्छा को भी पूरी तरह से ठुकरा दिया और उसने बड़ी ही क्रूरता से और उस निर्दयता से निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। यही बालिका मैना की महल के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि थी। जिस समय जनरल आउटरम ने मैना को कानपुर के किले में लाकर कैद कर दिया उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता महादेव चिटनवीस के बाखर पत्र में छपा था, कल कानपुर के किले में भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहेब की एकमात्र कन्या मैना धधकती आग में जलाकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपम बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। ये है बालिका मैना देवी की कहानी, अंग्रेजों ने जिन्हें चला करके नष्ट कर दिया था। बहुत महामार्मिक कहानी है, तो इसमें मैं जो शब्दार्थ है उनका आपको मीनिंग बता देती हूँ। दमन जो है, दमन यानी दबाना, क्रूरता का मतलब है कठोरता, निर अपराध जिसका कोई अपराध ना हो, भस्म करना जला देना रोमांचकारी यानी रोंगटे खड़े करने वाला, द्रवीभूत यानी करुणा से पिघला हुआ, दयालु भीषण यानी भयंकर, आश्चर्य यानी हैरानी, अल्पवयस यानी कम उम्र या छोटी उम्र, वास स्थान यानी रहने की जगह, विध्वंस यानी विनाश, विरुद्ध यानी विरोध में, शस्त्र का मतलब है हथियार, जड़ का तात्पर्य है जो जीवित नहीं है, अनुरोध का तात्पर्य है प्रार्थना, आग्रह का
अनुरोध और आग्रह एक ही हैं, प्रार्थना या आग्रह दोनों बोला है अनुरोध को। पूर्व का तात्पर्य है पहले, होश उड़ना यानी घबरा जाना, सहचरी यानी साथिन, विनयपूर्वक यानी नरमी से, असंभव यानी जो ना हो सके, संध्या का मतलब है सांझ, मत का यहाँ मतलब है विचार, सुविशाल का मतलब है बहुत बड़ा, मिट्टी में मिलाना यानी पूरी तरह से नष्ट कर देना, दुर्दांत, दुर्दांत का तात्पर्य है जिसे दबाना कठिन हो, कलंक यानी धब्बा, संहार यानी विनाश, वृद्धावस्था यानी बुढ़ापा, प्रेम संबंध, प्रेमालाप, उज्ज्वल यानी उज्ज्वला, भग्नावशिष्ट यानी खंडहर, प्रासाद यानी महल, कराल का तात्पर्य है भयंकर, आर्त का मीन्स है दुखी, पाषाण हृदय पत्थर के दिल वाला, इतिहास वेता।